বাসগৃহত ভাত খোৱাৰ সপোন পূৰ্ণ হল হৰ্ষ সোলাংকি নামৰ এজন সাধাৰণ যুৱক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটো। কালি আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে এইগৰাকী হৰ্ষ সোলাংকিয়ে কেজৰিৱালক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তেওঁৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ, আৰু ওলোটাই কেজৰিৱালে তেওঁকে দিল্লীলৈ মাতি পঠাইছিলে। আৰু তাৰ পিছত এয়া আজি দিল্লীৰ ছবি, কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত হৰ্ষ সোলাংকিৰ মাক, হৰ্ষ সোলাংকিৰ ভগ্নীয়ে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ ধুনীয়া দৃশ্য আমি প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসত বাল্মীকি সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলিত সম্প্ৰদায়ৰ এটা পৰিয়ালে ভাত খাইছে। আৰু কেজৰিৱালে দাবী কৰিছে যে প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত এগৰাকী সাধাৰণ দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। এয়া ভাত খোৱা দৃশ্য। বিমানবন্দৰত এইদৰে আদৰণি জনোৱা হয়। এয়া হৰ্ষৰ পৰিয়াল, হৰ্ষৰ মাক আৰু ভগ্নীও আহিছে বিমানবন্দৰতে তেওঁক আদৰণি জনায়, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সতীৰ্থসকলে। আৰু পোনে পোনে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ লৈ যায়। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। এয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সাৱতি ধৰিছে। যদি আমি ভিডিঅ' চাইজটো অকণমান মিলাওঁ আপাৰটিকাৰ লগত, ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাইছে আৰু কান্দোনত ভাগি পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কান্দোনত তেওঁ ভাগি পৰিছে, এটি উপহাৰ দিছে কেজৰিৱালক এজন হৰ্ষ সোলাংকি। আৰু একেলগে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত হৰ্ষ সোলাংকি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন যুটীয়া সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিলে। তাত কি কৈছে আপোনালোকক শুনাইছোঁ এবাৰ। कोई बार सोचा ही नहीं था कि मैं अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि मैं खुली आंख से सपना ही देख रहा हूं, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज यहां सर के साथ खड़ा हूं। सोलंकी जी और उनके परिवार के लोग, उनकी बहन सुहानी, उनकी मदर लता जी मेरे घर पे, मेरे आमंत्रण पे हमारे साथ खाना खाने के लिए आए, मेरे पूरे परिवार के साथ बैठे और हमने साथ लंच किया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतनी दूर से हमारे साथ आज लंच करने के लिए आए। आप अगर कुछ बोलना चाहें। अरे तो जय भीम, जय वाल्मीकि। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया। जोर से बोल दीजिए। तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को, कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है, और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख। उसमें बहुत फ़र्क है, स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी इतनी गुजरात में है नहीं जो यहाँ दिल्ली में। गुजरात और विद्यालय के दिल्ली विद्यालय अंतर्गथन जथेष्ट ভাল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। কালি আসলে কি হৈছিল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আজি দৃশ্য ইয়া ভাত খাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আসলে কালি কি হৈছিল সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15 दिन 20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष, मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर, मानोगे? बताओ। पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर, आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं, आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर, पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर, मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, पांच लोग हैं हम। पांच लोग हैं? हाँ सर।
तो कल पांचों लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू, पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। पक्का पक्का सर, पक्का। एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी, एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी। एक मिनट हर्ष, एक सेवा का मौका पंजाब को भी मिलना चाहिए कि कल जब आप पांचों लोग आप अपने परिवार के समेत सीएम साहब के घर पे खाना खाओगे, तो आपके ठहरने का प्रबंध जो है वो पंजाब भवन में करें।